मित्रों नमः संस्कृताय। मित्रों जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अलंकारों की एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें सभी अलंकारों को क्रमशः पढ़ रहे हैं। तो उसमें आज क्रम है दृष्टांत अलंकार का। यह दृष्टांत अलंकार जहां पर दृष्टांत नाम शब्द से ही, इस दृष्टांत नाम से ही आप जान पा रहे होंगे कि यह कुछ विशेष है और आपके लिए आसान होने वाला है। आसान इसलिए होने वाला है क्योंकि बताने वाले हम हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा इस अलंकार में। इसके जितने भी प्रकार बताए हैं मम्मट ने, जो जो एग्जाम्पल बताए हैं, वो सभी प्रकारों को, सभी एग्जाम्पल्स को हम जानेंगे। मुख्यतः दो ही प्रकार मम्मट ने बताए हैं, लक्षण, दोनों प्रकार, दोनों प्रकारों के उदाहरण इस पाठ में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा पाठ नहीं होगा। यदि आपने उपमा अलंकार के वीडियो को देखा, यदि आप उपमा अलंकार के वीडियो को जानते हैं, उस उपमा अलंकार के विषय को समझते हैं, तो आपके लिए यह विषय आसान होने वाला है। मैं बता दूं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके लक्षण में, इसका लक्षण में आप देखेंगे दृष्टांत पुनरेतेषाम सर्वेषाम प्रतिबिंबनम्। एतेषाम सर्वेषाम, एतेषाम सर्वेषाम इत्युक्ते केषाम सर्वेषाम, किन सबका, ये कह रहा इन सबका प्रतिबिंबन होना दृष्टांत कहलाता है। इन सबका प्रतिबिंबन होना दृष्टांत कहलाता है, यह बात तो कह दी, पर यह तो बता दीजिए भाई किन सबका प्रतिबिंबन होना, उन सब में कौन आते हैं कि जिनका प्रतिबिंबन होना दृष्टांत कहलाता है। तो एतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम्, यह बात कह रहे हैं ना, दृष्टांत है। अब एतेषां का तात्पर्य आपको बता दें तो उपमान, उपमेय और साधारण धर्म, ये तीनों। ठीक, उपमान का तात्पर्य होता है, इसे पहले के वीडियोज में भी हमने बताया है, उपमान का तात्पर्य होता है जिससे तुलना की जाती है, जैसे चांद। उपमेय का तात्पर्य होता है कि जिसकी तुलना की जाती है, जैसे मुख। और साधारण धर्म जो ऐसा जो दोनों में, उपमान में भी हो और उपमेय में भी हो, जैसे सुंदरता। तो उपमान का तात्पर्य हो जाएगा चांद, मुख और सुंदरता। ठीक है, ये उपमान, उपमेय और साधारण धर्म के अंतर्गत आ जाएंगे। अब एतेषाम सर्वेषाम यानी एतेषाम त्रयाणाम, इन तीनों का, उपमान, उपमेय और साधारण धर्म, इन तीनों का प्रतिबिंबनम, प्रतिबिंबन होना, बिंब प्रतिबिंब भाव होना दृष्टांत, दृष्टांत कहलाता है। ठीक है, यानी दृष्टांत वह अलंकार है जिसमें उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य दो वाक्य होंगे। ठीक है, दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत क्या होता है, एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना। ठीक है, ये दृष्टांत कहलाता है। तो उदाहरण देंगे जहां पर एक वाक्य होगा उपमेय वाक्य, दूसरा वाक्य होगा उपमान वाक्य। इन दोनों वाक्यों में, उपमेय वाक्य और उपमान वाक्यों में, इन सबका यानी उपमान, उपमेय और साधारण धर्म, इन दोनों का बिंब प्रतिबिंब भाव साफ साफ झलकता है। जैसे आप चलते हैं तो आपके साथ बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई पड़ता है ना, प्रतिबिंब। तो जहां पर उपमान, उपमेय और वाचक शब्द का, साधारण धर्म का, इन तीनों का ये दिखाई पड़ता हो क्या, बिंब प्रतिबिंब भाव, वहीं पर दृष्टांत अलंकार होता है। और दृष्टांत अलंकार के बारे में और कुछ नहीं, पूछा जा सकता है कि एतेषां प्रतिबिंब, एतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम् इति कस्य अलंकारस्य लक्षणम्, यह किस अलंकार का लक्षण है, एतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम्। साहित्य दर्पण कार ने भी इसी तरह का लक्षण बनाया, दृष्टांतस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम्। वहां भी दृष्टांतस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम्, सधर्मस्य वस्तुनः केवल कर दिया, प्रतिबिंबनम् उन्होंने भी कहा है। ठीक है, बात वही है, तात्पर्य वही है दोनों का भी। तो दृष्टांत का तात्पर्य मैं बता दूं, यहां पर वाक्य दो रहेंगे, दोनों वाक्यों में आपको लगेगा पहले वाक्य में जो कहा गया दूसरे वाक्य में उसी तरह का प्रतिबिंब मानेगा, इसे उसका झलकेगा। तो जैसे एग्जाम्पल देते हैं, त्वयि दृष्टैव तस्याः निर्वातिमनो मनोभवज्वलितम् आलोके हिमांसोर्विकसति कुसुमं कुमुद्वत्याः। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हिमांशो ये वाला स्वर रहेगा, हिमांशो तालव्य स्वर रहेगा, आलोके ही हिमांशो। ठीक है, ये तालव्य स्वर रहेगा, हिमांशोर विकसति कुसुमं कुमुद्वत्या। या ऐसा कर देते हैं, एक मिनट, आलोके ही हिमांशोर विकसति कुसुमं कुमुद्वत्या, इसमें हम इसको ऐसे मिटा देते हैं और अब ठीक रहेगा। ठीक है, आलोके ही हिमांशोर विकसति कुसुमं कुमुद्वत्या। ठीक,
ठीक है। हिमांशु, ये इसका तात्पर्य मैं बता देता हूं। कोई एक ये है सहेली, ठीक है, कोई एक सहेली है, या कोई एक, हाँ मान लीजिए एक नायिका की सहेली है। वो नायिका की व्यथा को नायक को सुना रही। हमारे कवियों को ज्यादातर उदाहरण नायिका नायक नायक नायिका के ही मिलते थे। तो नायक नायिका के एग्जाम्पल में आप देखिए, जितने भी कवि हैं वो कवि लोग थोड़ा सा कहीं आगे चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे भी देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल को मैं अच्छे से बताता हूं। यहाँ एग्जाम्पल देने लग जाते हैं जब, तो क्या कह रहे हैं कि त्वयि दृष्ट एव, तुम्हें देख लेने मात्र से। क्या है? नायिका की सहेली नायक को मनाने आई। नायक कहीं दूर है, नायिका कहीं दूर है, हो सकता है उन दोनों में किसी कारणवश वियोग हो। तो वो क्या कहने आ रही है? अपनी सहेली का संदेश लेकर आई है उसके प्रेमी के पास, और कह रही है कि त्वयि दृष्ट एव तस्या। यहाँ दृष्ट एव में, आपको बता दें तो दृष्ट एव में संधि का नियम लगा है लोपः शाकल्यस्य। पहले मूलतः क्या है? दृष्टे एव, एचो ये वायावह से अय हो जाएगा, दृष्ट अय एव, और फिर लोपः शाकल्यस्य से य का लोप हो जाएगा क्योंकि तुरंत बाद अस प्रत्याहार का वर्ण है, तो दृष्ट एव हो जाएगा। तो त्वयि दृष्ट एव, तुम्हें देख लेने मात्र से, ठीक है, तुम्हें देख लेने मात्र से। तस्याः, उसका, उसका मतलब उस नायिका का। कौन सी नायिका? जो वह जो विरहिणी नायिका है। तुम्हें देख लेने मात्र से ही उस नायिका का मन, उस नायिका का मन जो मनोभव ज्वलित है। मनोभव ज्वलित मतलब काम के वेग से। मनोभव काम का नाम है क्योंकि मन में भूत होता है। मनोभव मतलब कामना, काम, या कामदेव ले लीजिए, मनोभव कामदेव। मनोभव कौन है? कामदेव है। उन कामदेव से जो ज्वलित है, काम के संताप से जो संतप्यमान उसका मन है। किसका? तस्याह मनः, उसका मन। कैसा है मन? यह मनः का ही, मनः नपुंसक लिंग है, मनोभव ज्वलितम भी नपुंसक लिंग है, मनः का विशेषण है। किसका विशेषण होगा? मनोभव ज्वलितम, मनः का। तो कीदृशम मनः, कैसा मन है? मनोभव ज्वलितम मनः। मनोभव यानी कामदेव के काम के संताप से ज्वलित जो मन है, ऐसा मन तुम्हें देख लेने से ही तस्या, उस नायिका का मनोभव से संतप्त मन निर्वाति यानी निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। वो बेचारा, आप समझ लीजिए जो जल रहा है पूरा मन काम के वेग से। आपको बता दूं तो काम के वेग का जो ज्वाल होता है ना, वह ज्वाल अग्नि के ज्वाल से भी ज्यादा पीड़ाप्रद होता है। वैसे वो बाह्य शरीर को पीड़ा देता है जो लोगों को दिखता भी है, पर वह काम वेग से संताप जो है वह अंदर पीड़ा देता है और वह दिखता भी नहीं, अनुभूत नहीं होता। चेहरे पे कभी भंगिमाओं के द्वारा अनुभूत हो सकता है, हो जाता है, पर कभी खास लोगों को ही होता है, सबको नहीं होता है। ठीक है। तो मनोभव ज्वलितम, मनोभव ज्वलितम मनहा, मनोभव से ज्वलित जो मन है वह तुम्हें देख लेने से ही निर्वाति यानी शांत हो जाता है। उसका दृष्टांत क्या दे रही है? दृष्टांत क्या दे रही है वो सहेली? हिमांशोः आलोके। हिमांशोः है, ठीक है, ताला दीवार। हिमांशोः, हिम ही अंशुए हैं जिसकी, ऐसा है हिमांशु चंद्र। हिमांशु का चंद्र, तो हिमांशोः आलोके ही चंद्रमसः आलोके ही, चंद्र को देख लेने मात्र से ही कुमुदवत्याः कुसुमं विकसति। कुमुदिनी का फूल विकसित हो जाता है। मैंने आपको इससे पहले जब एक अलंकार पढ़ाया था उत्प्रेक्षा, तो वहां पर बताया था कि चांद के उदय होने से एक कमलिनी जो होती है वो क्या होती है? वो शुष्क हो जाती है। कुछ फूल ऐसे होते हैं सरोवर में, सफेद कमल देखा होगा आपने, पीला कमल देखा होगा, काले कलर का भी कमल देखा होगा, कैरव होता है, और फिर उसके बाद कुवलय होता है, काले वाले को कुवलय कहा जाता है। पर है एक प्रकार की कमल की ही प्रजाति के विभिन्न फूल, अलग अलग वर्ण के। तो कुमुदिनी एक फूल होता है, कुमुदवती, ये कुमुदिनी भी कमल की ही प्रजाति की फूल है। यह जब चांद उगता है, चंद्रमा के उदय से वह विकसित होती है, और सूर्य जब उदित होता है तो दिन में वह मुरझा जाती है ना। वो कुमुदिनी का पुष्प कैसा होता है? मान लीजिए ऐसा होता है कुमुदिनी का पुष्प कि हिमांशोः आलोके, चंद्रमा के आलोक में, चंद्रमा को देखने से, चंद्रमा को देख लेती ही है, चंद्रमा से मिलती नहीं है, है ना। क्या चंद्रमा से मिलने जाएगी कुमुदिनी का फूल, कुमुदिनी का फूल या कुमुदिनी का पुष्प चंद्रमा से मिलने थोड़े ना जाएगा, पर फिर भी उसको देख ही लेगा
तो विकसित हो जाएगा। तो ऐसे ही वो नायिका का मनोभव जलित जो मन है वो तुम्हें देख लेने से ही शांत हो जाएगा, मिलने से नहीं, देख लेने से ही। ये तात्पर्य है। तो अब आपको देखा दिखाई पड़ रहा होगा दोनों वाक्यों में, एक उपमेय वाक्य एक उपमान वाक्य, उसमें बिंब प्रतिबिंब भाव है। देखिएगा यहां क्या कह रहे हैं, त्वयि दृष्ट एव तस्य, आप देख लीजिए दोनों चीज। यहां मैंने हिंदी अर्थ भी दिखा, काम संतप्त उस नायिका का मन तुम्हारे दर्शन मात्र से ही शांत हो जाता है, जैसे चंद्र को देखने मात्र से कुमुदिनी का फूल विकसित हो जाता है। ठीक है, अब आपको बता दूं तो यहां बिंब प्रतिबिंब कैसे है, नायक और चंद्र में बिंब प्रतिबिंब भाव है ना, नायक की तुलना चांद से, नायक की तुलना चांद से, क्योंकि नायक को भी देखा जाता है और चांद को भी देखा जाता है। समझने वाली बात अब शुरू हो रही, समझिएगा, नायक को भी देखा जाता है और हिमांशु को भी देखा जाता है ना, तो नायक की तुलना किससे है, हिमांशु से यानी चांद से। यहां उपमेय हो गया वह त्वयी त्वम तुम यानी नायक, और हिमांशु हो गया उपमान। उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव लगेगा कि जैसे देख लीजिए हिमांशु को भी देखा जा रहा है और उसको भी देखा जा रहा है। मान लीजिए इसे दो सीन की कल्पना कीजिए मन में, इधर वो नायिका और हिमांशु को, उसको नायक को देखती है और कुमुदिनी का फूल चांद को देखती है। ठीक है, तो अब नायिका और कुमुदिनी, कुमुदवती और वह नायिका, इसमें भी बिंब प्रतिबिंब भाव है। नायक और चांद, नायिका और चांदनी, ये नायिका और ये कुमुदिनी। ठीक है, कुमुदिनी चांद को देखती है, नायिका नायक को देखती है, बिंब प्रतिबिंब भाव इन दोनों में दिख रहा है। आगे देखिए, नायिका का मन निर्वाण को यानी शांत हो जाता है और कुमुदिनी का फूल विकसित हो जाता है, ये भी बिंब प्रतिबिंब भाव, इसका निर्वाण हो जाना, इसका विकसित हो जाना। ठीक है, और नायिका का मन है और कुमुदिनी का कुसुम है, मन में और फूल में दोनों में, क्योंकि मन भी संतप्त है और फूल भी संतप्त है, क्योंकि सूर्य आता है तो सूर्य के संताप से संतप्त हो जाता है वह फूल और वह सिकुड़ जाता है, और काम के संताप से उसका संतप्त मन है वो भी सिकुड़ सा गया। ठीक है, तो मन भी और कुसुम इन दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव है। और देखिए मनोभव ज्वलितम इस शब्द में, मनोभव ज्वलितम इस शब्द में, और उसके साथ साथ सूर्य किरण दग्ध में, जो कहा नहीं गया पर गम्यमान है, समझ में आ रहा है, क्योंकि मनोभव से कामदेव से संतप्त यह मन है, पर कुमुदिनी का फूल कैसा है, वो सूर्य की किरणों से दग्ध है, वो कहा नहीं गया फिर भी वह है अर्थ में आ रहा है, और इसलिए उससे बिंब प्रतिबिंब भाव होगा। तो नायक और चंद्र का, नायिका और कुमुदिनी का, मन और फूल का, सूर्य किरण दग्ध और क्या कहते हैं मनोभव ज्वलित इसका, और फिर उसके बाद निर्वाण हो जाना और विकसित हो जाना, इन सब में बिंब प्रतिबिंब भाव है। दोनों वाक्य एक दूसरे के एक उपमा उपमेय वाक्य एक उपमान वाक्य, दोनों वाक्य में ऐसा होता है तो वहां पर ये होता है दृष्टांत अलंकार। ठीक है, दृष्टांत समझ गए होंगे, दोनों जहां दो वाक्य हो, दोनों वाक्यों में एक दूसरे का एक का दृष्टांत दिया जा रहा है वहां पर। ठीक है, और यह दृष्टांत क्या होता है, साधर्म से भी होता है और वैधर्म से भी होता है। वैधर्म मतलब होता है विधर्मता, विधर्मता यानी एक जगह तो देख लीजिए उसका भी मन शांत हो रहा है, उसका भी मन शांत हो रहा है। ठीक है, वो साधर्म से था, क्या कामदेव वो कुसुम है विकसित होता है, उसका मन शांत, मतलब दोनों जगह एक समान गति चल रही, पर एकदम विरुद्ध भी हो जाती है कभी कभी, वो वैधर्म होता है। वैधर्म से दृष्टांत का उदाहरण देंगे, तवा हवेशा सकर्म शर्मणः कर्म कृपाणान्तिकमानिनी शतः भटा परेशाम विशरारुताम गुहो दधत्यवाते स्थिरताम हिपाम शवः। यहां देखिएगा इस एग्जाम्पल में तवा हवे, इसमें कुछ लोग गड़बड़ समझने लगेंगे, का जो बनारसी लोग होंगे ना, बनारसी लोग या और उसके आसपास के लोग कहेंगे का हवे, तो कहेंगे तवा हवे, तवा रोटी बनाने वाला तवा हवे, ऐसा मत समझिएगा, का हवे तवा हवे नहीं, तो ये तवा हवे में संधि विच्छेद कीजिएगा, वही कुछ लोगों को हो सकता है कि ऐसा मिल जाए कि देशी शब्द मिल गया, यहाँ तवा हवे रोटी बनावे के बा, तो ये तवा हवे। ठीक है, तो तवा हवे, यहां ऐसा संधि विच्छेद मत कीजिएगा, कैसा संधि विच्छेद कीजिएगा, तव, यहां मैं लिख देता हूं तव आहवे, कोई कवि किसी राजा की प्रशंसा में कह रहा है, आहवे, आहवा का तात्पर्य क्या होता है,
आहूयन्ते अस्मिन् योद्धारः इति आहवा आहवो युद्धम, है ना। आहव किसको कहते हैं? युद्ध को, जिसमें योद्धाओं को का आह्वान किया जाता है, इसलिए आहव कहा जाता है। ठीक है, आहव जिसमें योद्धा भट्ट लोग आहूत किए जाते हैं, इस कारण से उसको आहव कहा जाता है। तो आहवे यानी युद्धे साहस कर्म शर्मणः तव, साहस कर्म शर्मणः में भी षष्ठी है, तव में भी षष्ठी है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? साहस कर्म शर्मणः तव, जो साहस कर्म करना ही जिसको अच्छा लगता है ना, साहसिक कर्म से ही जिसको शर्म मिलती है, मतलब संतुष्टि मिलती है, संतोष मिलता है। कैसे कर्म से संतोष मिलता है? अगर तुम्हें संतुष्ट करना है, कवि है वो राजा से कह रहा है, राजन तुम्हें अगर संतुष्ट करना है तो साहस कर्म करना पड़ेगा। तुम कैसे हो? साहस कर्म से ही शर्म प्राप्त करते हो, साहस कर्म से ही संतुष्ट होते हो। ऐसा तुम्हारा जब युद्ध भूमि में खड़े हो जाते हैं ऐसे तुम, और खड़े होने के बाद अपने कर को, कर किसे कहते हैं? हाथ को। खड़े हो ऐसे देख रहे हो युद्ध भूमि में सब लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, और अगर कहीं तलवार के पास ऐसे हाथ ले जाने का प्रयास करते हो तब तुम ना करम कृपाणांतिकम, कृपाण कहते हैं खड्ग को, तलवार को मान लीजिए, कृपाण के अंतिक यानी समीप, कृपाण के अंतिक यानी समीप, जैसे ही आप अपने कर को आनिनीशतः, आनिनीशतः में आंग उपसर्ग नी धातु, अणि प्रापणे धातु से फिर सन प्रत्यय लगकर आनिनीशन, आनिनीश धातु बनता है, और उसे क्षत्रि प्रत्यय लगकर फिर षष्ठी एक वचन का रूप है ये आनिनीशतः तव। आनिनीशतः का तात्पर्य क्या होता है? लाने की इच्छा करते हो। क्या लाने की इच्छा करते हो? हाथ। आनिनीशतः मतलब लाने की इच्छा करने वाले। ठीक, षष्ठी आनिनीशन मतलब लाने की इच्छा करने वाला होता है, और ये होता है आनिनीशतः मतलब लाने की इच्छा करने वाले। तो लाने की इच्छा करने वाले तुम्हारा, है ना, तुम्हारा तव मतलब तुम्हारा जो साहस कर्म से ही संतोष प्राप्त करते हैं, क्या लाने की इच्छा कर रहे हैं? कृपाण के अंतिक यानी कृपाण के पास अपना हाथ लाना चाह रहे हैं। ठीक है, तुम युद्ध भूमि में जब कृपाण के अंतिक यानी कृपाण के पास अपना हाथ लाना चाहते हो, क्या लाना चाहते हो? हाथ। किसके पास? कृपाण के पास। कब, कहां पर? आहवे। फिर से बोलता हूं सभी अर्थ। आहवे मतलब युद्ध भूमि में, तुम जब तब को तुम ऐसा अर्थ कन्वर्ट करके ले लीजिए, तुम युद्ध भूमि में जो साहस कर्म से ही संतुष्ट होते हो, जो अपने हाथ को जैसे ही कृपाण के अंतिक यानी पास ही ले आना चाहते हो, हाथ को तलवार के पास ले आना, जैसे तलवार लटका हुआ ऐसे हाथ ले आना चाहते हो, तो क्या होता है? परेशान मतलब शत्रुणाम, जो शत्रु लोग हैं, परेशान शत्रुणाम भटाह सैनिकाह, शत्रुओं के जो भट हैं, शत्रुओं के जो सैनिक हैं, वो क्या हो जाते हैं? विशरारुतामघुः। यह पहला वाक्य खत्म होगा। दूसरा वाक्य एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, दृष्टांत क्या दे रहे हैं, यह इतना दृष्टांत है, पर दृष्टांत वैधर्म से है, वैधर्म से कैसे दृष्टांत है वो समझेंगे आप। तो जब तुम अपना हाथ युद्ध भूमि में अपने तलवार के पास ले आना चाहते हो, तो परेशान भटाहा शत्रुओं के सैनिक क्या हो जाते हैं? विशरारुतामघुः। विशरारुतामघुः मतलब विशीर्ण हो जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, क्या भाग जाते हैं, है ना। पर एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं फिर से इस इतने तक का? पहला वाक्य समझिएगा, युद्ध भूमि में तुम जो साहस कर्म से ही संतुष्ट हो जाते हो, ऐसे तुम जब अपने हाथ को अपने कृपाण के पास ले आना चाहते हो, तो शत्रुओं के भट, शत्रुओं के सैनिक विशीर्ण होकर पलायन कर जाते हैं। विशरारुताम अगुह, अगुह मतलब पलायन कर जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, विशीर्णता को प्राप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं ना, भाग खड़ी हो जाती है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? दधत्यवाते स्थिरताम भिपाम शवः अवाते। अवाते मतलब वात जब रहता है उसको कहते हैं वाते, वात जब नहीं रहता उस समय को कहते हैं अवाते काले। जब वायु नहीं होता है तब, जब वायु नहीं होता है तब पांसवः स्थिरताम ही दधति। अच्छा आप बताइए, आजकल का सीजन जो गर्मियों का सीजन होता है, इस समय अप्रैल के बाद से लगभग जुलाई अगस्त तक, बरसात की शुरुआत होने से पहले तक, जो जून जुलाई तक समय सीजन होता है, उस समय आंधी तूफान खूब आती है, पवन खूब चलते हैं, और
उस समय आप देखते हैं रोड पर चलते हैं तो धूल कितना उड़कर आपके ऊपर आता है, ये आप जानते हैं, अनुभूत है ना, क्योंकि पृथ्वी की ऊपरी सतह शुष्क हो जाती है और पृथ्वी की ऊपरी सतह शुष्क होने के बाद उस पर पैरों से चलने के कारण थोड़े थोड़े धूल के कण फूट फूट के अलग अलग हो जाते हैं और वो हवा के कारण उड़ते हैं, है ना, ये थोड़ा सा सिद्धांत है। तो अब इसमें जब धूल उड़ते हैं कब, जब हवा चलती है तब उड़ते हैं कि बिना हवा के ही उड़ते रहते हैं? अब आते जब हवा नहीं चलती तो पांसवा मतलब धूल कण स्थिरताम ही दधती, यानी स्थिरता को धारण कर लेते हैं, स्थिर हो जाते हैं। जब हवा नहीं चलती, जब पवन नहीं चलता तो फिर क्या हो जाते हैं, सारे धूलिकण स्थिर हो जाते हैं, है ना। अवाते पांसवः स्थिरताम ही दधति, वायु ना होने पर जो पांसु होते हैं वो स्थिर रहते हैं। अब देखिए दोनों जगह का, यहां पर बिंब प्रतिबिंब भाव देख लीजिए, बिंब प्रतिबिंब भाव देखेंगे एक मिनट। हाँ, इसको मैं आप इसमें इसमें इस एग्जाम्पल में बिंब प्रतिबिंब भाव बता दूं तो एक राजा है ना, और इधर वायु है, राजा है और वायु है। राजा और वायु में जब राजा तलवार के पास हाथ ले जाना चाहता है और वायु चलना चाहता है, ठीक है, दोनों है, और राजा के तलवार को हाथ के पास ले जाने पर शत्रुओं के सैनिक पलायन कर जाते हैं और वायु के चलने पर धूल उड़ जाते हैं, धूल के कण उड़ जाते हैं, है ना। तो ये तात्पर्य आपको लगेगा कि दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, परंतु यहां विरुद्ध धर्म से बिंब प्रतिबिंब भाव कहा है, विरुद्ध धर्म से, वैधर्म से, इसीलिए कह रहे हैं। वैधर्म से क्या क्या तात्पर्य देख लीजिए, विरुद्ध धर्म से कैसे, ये भी मैं आपको समझा देता हूं कैसे विरुद्ध धर्म है यहां पर, क्योंकि जब यह राजा तलवार के पास ले जाना चाहता है तो दूसरों के शत्रु लोग भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, परंतु जब पवन नहीं चलता तो धूलिकण स्थिर रहते हैं। वो कह रहे हैं वहां तो कह रहा है कि भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, स्थिर ही नहीं रहते, यानी, और यहां क्या कह रहे हैं, स्थिर रहते हैं। पर दृष्टांत उसी तरह का दिया है कि यदि पवन चलता तो धूल उड़ जाती है ना, दृष्टांत दिया पर विरुद्ध धर्म से दिया, इसी को कहते हैं वैधर्म से। तो दृष्टांत अलंकार के दो प्रकार के दिए गए, दो प्रकार होता है। दृष्टांत कहां होता है, जहां उपमान और उपमेय इन दोनों वाक्यों में एक दूसरे के प्रतिबिंब प्रतिबिंब भाव झलकता है, बिंब प्रतिबिंब भाव जहां दोनों के प्रति झलकता है वहां पर यह दृष्टांत अलंकार होता है। और दृष्टांत अलंकार दो प्रकार का काव्य प्रकाश में निरूपित है, साधर्म से दृष्टांत और वैधर्म से दृष्टांत, दोनों का उदाहरण हमने देखा। साधर्म से दृष्टांत का उदाहरण देखा तो कतस्याह निर्वाति मनोमनोभव चलितम आलोके ही हिमांशो और विकसित कुसुमं कुमुद्वत्या, तुम्हें देख लेने मात्र से ही उस नायिका का काम संतप्त मन शांत हो जाता है और हिमांशु यानी चंद्र को देख लेने से कुमुदिनी का फूल विकसित हो जाता है। ये दोनों में साधर्म था, परंतु दूसरा विधा जो तवाह वे साहस कर्म शर्मण वाला उदाहरण है, इसमें कहते हैं कि युद्ध भूमि में जब तुम अपने हाथ को अपने तलवार के पास ले जाना चाहते हो तो शत्रुओं के सैनिक इस तरह पलायन कर जाते हैं कि मानो धूल की तरह उड़ जाते हैं हवा चलने पर, ऐसा। परंतु क्या कह रहे हैं, दृष्टांत कैसा दे रहे हैं कि अवाते पांसवा स्थिरताम ही दधती, वायु न चलने पर पांसवा यानी धूल कणानी स्थिरताम ही दधती, स्थिरता को उदाहरण करके, है ना, वायु न चलने पर सारे धूल कण स्थिर रहते हैं। तो ये विरुद्ध धर्म से उदाहरण दिया गया, दृष्टांत दिया गया, इसलिए वैधर्म से दृष्टांत है। तो आज के इस दृष्टांत अलंकार के पाठ में इतना ही, इसके बाद अग्रिम पाठ में हम विभावना विशेषोक्ति इत्यादि अलंकारों का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में इतना ही, आप सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अग्रिम पाठ में, नमस्कार।